बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, ये शेरशाह से मीरा नागा की तरफ जो रोड जाता है उस पर हम खड़े हैं और अभी ही इस रोड पर बजरी डाली गई है। कुछ दिन में इसके ऊपर कारपेट बिछा दिया जाएगा और यहाँ पर ये आप देख सकते हैं कि ट्रक घुस गया, इसके अंदर चला गया है। वजह क्या? सिंध गवर्नमेंट ऐसे ठेकेदारों को ठेका देंगी, वो एक एक रुपया बचाने के लिए, अपने जेब में डालने के लिए बजाय जहाँ पत्थर डलता वहाँ बजरी डालेंगे, जहाँ बजरी डालनी हो वहाँ खस्ता हाली मट्टी डालेंगे ताकि दो चार रुपए अपने जेब में करप्शन की नज़र कर सके। तो नतीजा हमें यही मिलेगा। ये पाकिस्तान की इंडस्ट्रियल मेन शाहराओं में से एक शाहरा है और यहाँ का ये हाल है। शर्म आनी चाहिए उस इंजीनियर को, शर्म आनी चाहिए उस ठेकेदार को और शर्म आनी चाहिए उस जिम्मेदार को जिसने इस ठेकेदार को वो ठेका दिया, जो इस आवाम के टैक्स के साथ ऐसा मजाक कर रहे हैं। अब तक यहाँ बारिश हुई नहीं मानसून की, जब बारिश होगी तो ये मजीद भी नीचे की तरफ बैठने लगेगा और मोटरसाइकिल वाले ज़्यादा शिकार होंगे। दूसरी तरफ आपका नाला बिल्कुल ओपन पड़ा है, अब तक इसमें लोग गिरेंगे। अगर किसी सूरत जानी नुकसान होता है तो तमाम तर उस जान की नुकसान की जिम्मेदारी हुकूमत की होगी और इसके खिलाफ FIR मैं काटूंगा। निशानदेही का मकसद सिर्फ एक, अब भी कुछ नहीं बिगड़ा। जो तुमने आवाम का टैक्स ज़ाया कर दिया इस रोड पर तो भी दुरुस्त, मगर खुदारा अब जाग जाओ इससे पहले कि इस रोड पर कारपेट बिछा दिया जाए। अब से इसका काम थोड़ा सा दुरुस्त कर दें ताकि ये काम आर्जी ना रहे, मुस्तकिल तौर पर हो जाए।